आइए देखते हैं मजा आएगा। भगवान जी प्लीज कोई ऐसा उपाय दे दो जिससे मैं ससुराल में सबको अच्छी लगूं और सासू माँ की फेवरेट हो जाऊं। प्लीज भगवान जी। पुत्री, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हाँ भगवान जी आप बोल रहे हो? हाँ पुत्री, और एक उपाय भी है मेरे पास। बताइए भगवान जी क्या उपाय है? तुम्हें हर रोज सुबह 5 बजे उठना होगा। भगवान जी मैं ताने ही सुन लूंगी। आज के बाद मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगा। एक तो इतनी गर्मी में गया, ऊपर से तुमने मेरी नाक कटवा दी। क्यों, क्या हुआ? क्या खातिरदारी नहीं की तुम्हारी? मटर पनीर उन्होंने खिलाया, इतनी गर्मी में ठंडा तुम्हें पिलाया, रसमलाई उन्होंने खिलाई, रसगुल्ले उन्होंने खिलाए, और तो और आते आते 1100 रुपए और दिए तुम्हें विदाई में। हाँ लेकिन उन्होंने चाय तलक तो मुझसे पूछी ना। कोई तुम्हारी कितनी भी खातिरदारी कर दे, मरोगे तुम 10 रुपए की चाय पर ही। लेकिन एक सेकंड। अरे बहू क्या कर रही है? अरे मम्मी मैं ये चेक कर रही हूँ, गांधी जी तो मर गए, उनका नंबर कौन चला रहा है? पागल ही दिख है बिल्कुल ही। मम्मी जी ये देखो साड़ी, मैं बाजार गई थी ना तो एक साड़ी अपने लिए लेके आई और एक साड़ी आपके लिए लेके आई हूँ। अच्छा, ओ तुम पहले अपने वाली साड़ी दिखाओ बेटा मुझे। ये देखिए मम्मी जी मेरी वाली साड़ी। बहू अपने लिए महंगी वाली साड़ी लाई होगी और मेरे लिए सस्ती वाली साड़ी उठा। बहू मुझे तो तुम्हारे वाली साड़ी का रंग ज्यादा बढ़िया लगा। मुझे तो पहले से ही पता था मम्मी जी को मेरे वाली साड़ी पसंद होगी, इसलिए मैंने पहले ही साड़ी बदल ली थी। ठीक है मम्मी जी आप मेरे वाली साड़ी रख लीजिए और मुझे अपनी वाली साड़ी दे दीजिए। चलो अब मुझे तो महंगी वाली साड़ी मिल गई। मम्मी जी को तो मैंने चकमा ही दे दिया। मम्मी जी लो बात करो। कौन है? नंदरानी। अच्छा लदे, वैसे भी कल से बात नहीं मेरी पिंकी से। अच्छा। हाँ बेटा। बेटा नहीं शीला बोल रही हूँ, शीला। अच्छा नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते, कैसे तू मेरा फोन नहीं उठा रही है? कल से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ। फोन? अरे मेरा वो फोन खराब है, उसमें घंटी नहीं बज रही जी। वो तो मैं आके बजा दूंगी, कल आ रही हूँ मैं सावन में रहने के लिए। अच्छा हाँ ठीक है, आ जाओ भाई जी। हाँ ठीक है चलो रखती हूँ। राधे राधे। राधे राधे बहन जी। ए बहू तू इधर आ, बता नहीं सकती थी किसका फोन है? ये समस्या। हाँ जी बताया तो था नंदरानी। अरे इतना तो बताते थे साफ साफ कि मेरी नंद या तेरी नंदरानी। माँ जी साफ साफ कह देती तो मजा नहीं आता ना। लाओ मैं तुझे मजा। हे भगवान अभी क्यों आ रही है, इस बुढ़ापे में कहाँ झूला झूलेगी सावन में। अच्छा सुनो टाइम हो गया, मैं चल रही हूँ। अरे क्या हो गया, क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ? घर वाले तेरी और मेरी शादी के लिए नहीं मान रहे। लेकिन क्यों? वो कह रहे हैं कि लड़की 24 साल की और तू 25 साल का है, तेरे लड़की या तो तेरे बराबर की होनी चाहिए या तुझसे बड़ी होनी चाहिए, समझदार होती है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अब अरे तो सुनो, अभी शादी नहीं हो सकती। अरे नहीं सुनो, तुम बस 1 साल रुक जाओ। क्या होगा उससे? अरे मैं अगले साल 25 साल की हो जाऊंगी ना, तुम्हारे बराबर हो जाऊंगी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी, मैं 26 साल का नहीं हो जाऊंगा तब तक। पैसा तो बड़ा कहते हो, प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ, इतना ही प्यार करते हो, 1 साल नहीं रुक सकते मेरे लिए? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। सुनो। हाँ। सोचो तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए। अच्छा फिर? और उसी दिन मुझे कोई किडनैप कर ले। और किडनैपर्स 1 करोड़ रुपए की डिमांड करे तो तुम क्या करोगे? अब मैं इतना भी खुश नसीब नहीं हूँ कि मेरी एक ही दिन में 2-2 लॉटरियां लग जाएं। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।